हेलो सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिसेस पूनम कुमारी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू योर लेसन नंबर 11, गूगल ड्राइव। सो इन दिस लेसन वी विल लर्न द टॉपिक गूगल ड्राइव एंड इट्स एडवांटेजेस, गेटिंग स्टार्टेड विद गूगल ड्राइव, ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, शेयरिंग अ फाइल और फोल्डर, इन साइनिंग आउट फ्रॉम गूगल ड्राइव। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। गूगल ड्राइव इज़ ए फ्री सर्विस फ्रॉम गूगल दैट एनेबल्स यू टू स्टोर एंड शेयर फाइल्स ऑनलाइन एंड एक्सेस देम एनी टाइम एनी वेयर यूजिंग द क्लाउड। सो स्टूडेंट, वॉट इज गूगल ड्राइव? इट्स एक्चुअली अ फ्री स्टोरेज सर्विस फ्रॉम द गूगल। गूगल कंपनी इज गिविंग अस अ ड्राइव, लाइक यू आर यूजिंग पेन ड्राइव, यू कैन स्टोर डाटा इन दैट। इन द सेम वे यू कैन स्टोर डाटा इन योर कंप्यूटर इन द हार्ड डिस्क। इन मोबाइल फोन यू कैन स्टोर योर डाटा इन द कंप्यूटर फोन मेमोरी। सो इन द सेम वे वी कैन स्टोर द डाटा ऑन द कंप्यूटर वाइल यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन ऑन गूगल ड्राइव। सो गूगल ड्राइव इज वन फॉर्म ऑफ टाइप द इन विच वी कैन स्टोर द डाटा एंड वी कैन असेस दैट डाटा एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी वेयर इफ वी आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। इट ऑफर्स 15 GB ऑफ फ्री स्टोरेज स्पेस दैट फेसिलिटेट यू टू स्टोर ऑल काइंड ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। एंड गूगल ड्राइव जो है, आपको गूगल कंपनी, आप अगर गूगल ड्राइव यूज़ करते हो उसकी, तो देन यू कैन यूज़ 15 GB ऑफ फ्री स्पेस। आपको वो 15 GB तक फ्री स्पेस स्टोर करने के लिए आपकी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वीडियोज़ हैं, कोई भी आप इसमें स्टोर कर सकते हो अप टू 15 GB। यू कैन स्टोर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फोटोज, ड्राॅइंग्स, रिकॉर्डिंग्स, वीडियोज, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड मच मोर। द फाइल स्टोर्ड ऑन गूगल ड्राइव कैन बी ओपन एंड एडिटेड फ्रॉम एनी डिवाइस। तो आप जो फाइल अपनी कैसी फाइल स्टोर कर सकते हो, आप कोई भी अपनी फोटो स्टोर करके रख सकते हो। जैसे आपकी फ़ोन की मेमोरी फुल होगी, आप बहुत सारी फोटोज़ हो गई हैं, तो आप फोटोज़ कहाँ स्टोर करके रख दो, गूगल ड्राइव में स्टोर करके रख दो। कभी भी आप उसको खोल के आप अपने फ़ोन से डिलीट कर दो और आप अपने कंप्यूटर से भी चाहे डिलीट कर दो, और गूगल ड्राइव के ऊपर आपकी फ़ोटोज़ सेव पड़ी हैं। या एनी काइंड ऑफ ड्राॅइंग और रिकॉर्डिंग्स और वीडियोज़ अगर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फोन में मेमोरी फुल हो गई है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क आपको लग रहा है फुल हो रही है, देन इन दैट केस आप उसको गूगल ड्राइव में स्टोर करके रख दो। Then you can open it from anywhere and you can edit on your file from any device also. Along with storing files, you can create, share, manage various types of files, Google Drive such as documents, spreadsheet, presentation, forms, drawing etc. तो आपकी अपनी files के साथ साथ आप उसके अंदर खुद भी files create कर सकते हो, share कर सकते हो। You can manage various types of files on the Google Drive. सचेज आप उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ मैनेज कर सकते हो, स्प्रेडशीट्स, एक्सेल शीट्स बना सकते हो, प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी गूगल ड्राइव के अंदर अवेलेबल हैं। नोट, द गूगल ड्राइव कैन बी असेस्ड ऑफलाइन ऑन द गूगल क्रोम ब्राउज़र वाया क्रोम ऐप। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं भी हो तो जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसके थ्रू भी आप वहाँ से ये वाली ऐप इंस्टॉल करके उसके साथ भी आप कनेक्टेड हो सकते हो। गूगल ड्राइव ऑफर्स वेरियस स्टोरेज प्लान्स विद अ मंथली सब्सक्रिप्शन। और गूगल ड्राइव के आपको बहुत सारे मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान्स देते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी स्टोरेज कैपेसिटी 15 GB तक तो वो फ्री देता ही रहता है, साथ में आप और ज़्यादा अगर अपना आपका डाटा उससे ज़्यादा आप स्टोर करना है तो आप खरीद भी सकते हो। इट कैन इंक्रीज अप टू 100 GB टू 30 TB। टीबी मीन्स टेराबाइट, गीगाबाइट टू टेराबाइट, इतने टेराबाइट तक आप खरीद भी सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी हाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गूगल ड्राइव। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गूगल ड्राइव? सो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ गूगल ड्राइव। फर्स्ट, इजी अपलोडिंग एंड स्टोरिंग। विद गूगल ड्राइव वन कैन ईजिली अपलोड एनी टाइप ऑफ फाइल सच एज डॉक्यूमेंट, ड्राॅइंग्स, फोटोज, वीडियोज एक्सेट्रा ऑनलाइन। तो आप इजीली अपनी कोई भी फाइल इसके ऊपर स्टोर करके रख सकते हो, अपलोड करके रख सकते हो, कोई भी ड्राॅइंग हो, चाहे कोई भी फोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ड्राॅइंग हो। द एडवांटेज ऑफ कीपिंग योर फाइल ऑनलाइन इज दैट इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ सेंड अ फाइल एज एन ईमेल अटैचमेंट और सेव इट ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसकी एडवांटेज क्या है कि आप अपनी फाइल ऑनलाइन कभी भी आप अपनी ईमेल में से चेक कर सकते हो, या कभी भी आप उसको एज ए सेकेंडरी डिवाइस यूज़ कर सकते हो, अपनी फाइल वहाँ पे आप सेव पड़ी रहेगी, कभी भी ऑनलाइन जाके आप उस फाइल को खोल सकते हो। इजी एडिटिंग ऑफ द फाइल्स। गूगल ड्राइव गिव्स यू एन इंस्टेंट एक्सेस टू द गूगल डॉक्स, अ सूट ऑफ एडिटिंग टूल्स दैट अलाउज यू टू एडिट एंड मेक चेंजेस इन योर टू योर फाइल। तो गूगल ड्राइव में कभी भी जाके आप अपनी फाइल्स के अंदर कुछ भी अगर चेंजेस करना चाहते हो, फाइल का कुछ डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना चाहते हो, तो गूगल ड्राइव आपको कुछ एडिटिंग टूल्स देता है। इन दैट यू कैन गो इन दैट एंड ओपन योर फाइल एंड यू कैन डू चेंजेस देयर ऑल्सो।
remote access from any device. The files stored on Google Drive can be easily accessed from any computer, tablet or smartphone with any internet connection. So आप Google Drive में अगर आपकी फाइल स्टोर हैं तो आप किसी भी अपनी डिवाइस से बाद में उसमें एक्सेस कर सकते हो, पहुँच सकते हो, चाहे आप कंप्यूटर से उसको खोल लो Google Drive को, चाहे टैबलेट में खोलो, चाहे स्मार्टफोन से खोलो, बट देयर शुड बी अ इंटरनेट कनेक्शन इन दैट. Easy searching. Google Drive has its own efficient search engine that allows you to find information on any topic easily. Google Drive provides the feature of searching by keyword and filtering the file type that helps in accessing the files quickly. तो Google Drive के अंदर आप क्या कर सकते हो, सर्च इंजन मीन्स कोई भी फाइल ईजिली आप सर्च कर सकते हो. आपकी अगर बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं Google Drive में, आप जस्ट टॉपिक का नाम लिखो या उसका वर्ड लिखो, देन यू कैन सर्च ईजिली एंड बाय टाइपिंग द कीवर्ड ऑल्सो. सिंपल आप एक वर्ड भी टाइप करते हो, उससे रिलेटेड सारी फाइल्स ईजिली आपकी खुल जाएंगी, जिससे आपको फाइल्स तक जल्दी पहुँचने में हेल्प होगी. शेयरिंग फाइल्स विद योर फ्रेंड. यूजर्स कैन ईजिली शेयर द क्रिएटेड एंड अपलोडेड फाइल विद अदर्स. Thus in turn enables them to collaborate on their work and manage a single document with the participation of each one of making modification. So you can share your files also with your friends which you are uploaded on the Google Drive. में आपकी जो files पड़ी हैं that you can share with your friends also. Open discussion. You can create a reply to the comments to get back feedback and make files more collaborative. It can be done by commenting directly on the file. So which files you are sending or which file you are receiving on the Google Drive, on that you can pass comment also, or you can get feedback also about your files. Next is free of cost. Google Drive provides 15 GB storage space with the facility to upload, access and share files free of cost. However, users can buy a larger storage plan if required. तो Google Drive के ऊपर आप 15 GB तक फ्री स्टोरेज स्पेस आपको Google Drive देता है. इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. और कभी भी आप जो फाइल आपकी इसके ऊपर स्टोर है उसको अपलोड कर सकते हो, असेस मीन्स पहुंच सकते हो, शेयर कर सकते हो. इट इज़ जस्ट अ फ्री ऑफ कॉस्ट. हाउएवर यूजर्स कैन बाय अ लार्ज स्टोरेज प्लान ऑल्सो. और अगर आपको 15 GB से ज़्यादा रिक्वायरमेंट, आपको ज़्यादा आपकी फाइल्स बड़ी हैं, ज़्यादा आपने डेटा स्टोर करना है, देन यू कैन बाय इट ऑल्सो फ्रॉम द Google Drive. Free web-based application. Google Drive also gives access to free web-based application for creating documents, spreadsheet, presentation, forms, drawing and much more. Google Drive हमें कुछ free applications या apps कह सकते हैं जिसके अंदर हम, जैसे कि हमने Microsoft Word की कोई फाइल बनानी है वो भी हम खोल सकते हैं, spreadsheet, Excel की sheet या PowerPoint की कोई presentation बनानी है, forms बनानी है, drawings करनी है, तो this facility is also available in the Google Drive window. So students, up to here you do your chapter and now we will continue with the next part, getting started with Google Drive, in the next video. Thank you students.